नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड में भले ही कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई हो, लेकिन संक्रमितों के मरने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को भी रिम्स में इलाज करा रहे 4 कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। मृतकों में रांची के कांटा टोली निवासी 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति, गुमला के बसिया के रहने वाले 60 वर्षीय पुरुष है। इनका इलाज रिम्स के न्यू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था। वहीं कोडरमा के 73 वर्षीय पुरुष और रांची के ही 73 वर्षीय एक और पुरुष की मौत रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी में इलाज के दौरान हुई है। 170 नए कोरोना संक्रमित जिले से मिले, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या सर्वाधिक 852 रही। रिम्स में हुई मौतों में रांची से 2 मृतक थे। मिली जानकारी के मुताबिक रांची में स्थित रिम्स अस्पताल में सुबह 7 बजे से ही इंटरनेट सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। इंटरनेट फेल होने की वजह से रिम्स में सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही रिम्स ओपीडी में दिखाने और पर्ची कटाने को लेकर मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतार लगी रही। चिंता की बात यह है कि कोरोना काल में सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय मौजूदा सुविधा को भी रिम्स संभाल नहीं पा रहा है। बता दें कि रिम्स में 38 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। न्यू ट्रॉमा सेंटर के दूसरे तल्ले पर 4 संक्रमित मरीज भर्ती है। वहीं डेंगू वार्ड में 7, मेडिसिन डी 2 में 14, सर्जरी डी 2 में 10, पीडियाट्रिक 2 में 1 और पीडियाट्रिक सर्जरी में 2 बच्चे इलाजरत है। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।